तो हाँ गाइस यार, आज मौसम सच में काफ़ी ज़्यादा सुहाना है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऐसे में गाइस, इस सुहाने मौसम में कुछ धमाल कमाल धमाका करना तो बनता है। तो गाइस, आज हमारे पास है ये तरबूज यानी वाटरमेलन, जो के गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ पानी से भरपूर होता है, जिसकी वजह से गर्मियों में हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होती। हम तरबूज के अंदर का जो इसके अंदर सॉफ्ट लाल लाल पल्प होता है उसे खाते हैं, और ये जो बाहर का छिलका होता है इसे फेंक देते हैं। लेकिन गाइस, ये ऊपर का छिलका ही होता है जो इसके अंदर पल्प को सुरक्षित रखता है, हमारे खाने लायक बचा कर रखता है। ये गाइस खुले में मैदान में कड़ी धूप में पड़ा रहता है, लेकिन उस पानी को, उस लाल लाल गुदे को हमारे लिए बचा के रखता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस ऊपर वाले छिलके को ही टेस्ट करेंगे कि आखिर ये कितना हार्ड होता है, कितना मजबूत होता है, जो हमारे लिए लाल लाल पल्प को बचा कर रखता है, जो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो गाइस, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास है ये एक नहीं दो नहीं पूरे 1000 लड़ी वाले बम। इन्हें गाइस मुर्गा छाप या फिर बिजली बम भी कहा जाता है। ये पूरी 1000 बम की लड़ी है। तो गाइस, हम करेंगे कुछ यूँ, इसके ऊपर ऐसे एक कट लगाएंगे, फिर इसके अंदर का जो भी पल्प है लाल लाल खाने वाला उसे निकाल लेंगे, फिर ये आसपास छिलका बचेगा, फिर इसके अंदर ये लड़ी वाले बम रख देंगे, फिर उसमें आग लगाते हैं, फिर देखते हैं गाइस ये 1000 बम मिलकर इस तरबूज के इतने मोटे छिलके को तोड़ पाते हैं, फोड़ पाते हैं या नहीं। तो गाइस, है ना वीडियो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दें। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर का पल्प निकालते हैं। हम तो बचपन से ही खुरा पाती हैं, आप घर पर कुछ भी ऐसा ट्राई करने की कोशिश ना करें। तो यार गाइस, हमने इस पूरे तरबूज को खाली कर लिया है, और इसके अंदर जो हमारे काम की चीज़ है यानी कि लाल लाल गुदा पल्प, वो निकाल लिया है, बिल्कुल खाली हो चुका है। अब इसके अंदर भरते हैं गाइस फायर क्रैकर्स। तो फाइनली गाइस, हमने इन पटाखों को इस तरबूज के अंदर लगा दिया है। अब इसमें लगाते हैं आग, फिर देखते हैं इस तरबूज के छिलके और 1000 पटाखों का कैसा धमाकेदार मुकाबला होता है। तो यार गाइस, सच में हमारा ये तरबूज का छिलका काफ़ी ज़्यादा मजबूत निकला, और
1000 बिजली बम्ब भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। देखो एकदम सही है, लेकिन अंदर से इसका बुरा हाल हो गया। देखो गाइस, धुआं निकल रहा है और कुछ दिख भी नहीं रहा है। और गाइस, इतनी जल्दी यार 1000 बम्ब चल गए, समझ नहीं आया, कुछ बच तो नहीं गए यार। देखना पड़ेगा बहुत सावधानी से। तो यार गाइस, अभी है गाइस, देखो मोस्टली सभी चल चुके हैं, ये देखो। तो अंदर से क्या हाल हुआ है इस तरबूज के छिलके का। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अभी यार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो यार मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।